Hello everyone and welcome back to the new session of fluid mechanics and machines. आज ये हमारा fourth lecture है जिसमें हम compressibility के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए start करते हैं कि compressibility क्या होती है. Okay, compressibility basically compressibility उस property को कहते हैं जब हम किसी भी matter में हम कोई pressure implement करते हैं, मतलब pressure apply करते हैं और उसका उसकी प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कंटेनर है, उसमें कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक कंटेनर है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं. अब हमने यहाँ पे एक प्रेशर ऊपर से लगाया, तो पहले ये इनिशियली पहले तो ये ऐसे दिख रहा था, लेकिन जब हमने प्रेशर लगाया तो ये नीचे नीचे आ जाएगा और इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे. मतलब कि पहले दूर दूर थे और अभी पास पास हो गए. तो पहले इसका वॉल्यूम कितना था, वी वन, और बाद में इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वी टू. तो हमारा प्रेशर लगाने की वजह से इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी. और जो जो भी मैटर, जैसे कि जो भी फ्लूड कंप्रेस करने पे, मतलब प्रेशर लगाने पे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, फ्लूड में अगर हमने प्रेशर लगाया और उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी. ओके, तो अगर हमारा यहाँ पे प्रेशर लगाने पे, पहले बिना प्रेशर के यहाँ पे प्रेशर कम लगाया, तो उसका मतलब वैसे तो नहीं तो पूरे बाहर निकल जाएंगे ना, तो यहाँ पे तो हमें प्रेशर लगाना ही पड़ेगा. मान लो पहले प्रेशर पी वन है, फिर प्रेशर हो गया पी टू, तो पहले और यहाँ पे पी वन की वैल्यू कम है और पी टू की वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर देन. ठीक है, प्रेशर टू, पहले हमने कम लगाया प्रेशर, तो मॉलिक्यूल्स उसके दूर दूर है यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं. फिर हमने प्रेशर ज्यादा लगाया, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए. तो हमने प्रेशर लगाने की वजह से इसके वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, पहले इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, अब पास पास आ गए, तो वॉल्यूम इसका कम हो गया. पहले ज्यादा जगह पे ये इकट्ठे थे, अभी कम जगह में ये सारे पास पास आके इनकी जगह कम हो गई, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. तो वी टू इज लेस देन वी वन. ठीक है, अगर हमने प्रेशर पी टू, वेन जब पी टू इज ग्रेटर देन पी वन. ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड, ऐसे मटेरियल जो इस प्रॉपर्टी को रखते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी कंप्रेसिबल कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है. मतलब कि और जो इस फ्लूइड जो इस प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं, ऐसे फ्लूइड को कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं. ओके, अब हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं. स्टेट ऑफ मैटर में हमने क्या क्या पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, फ्लूइड. तो अब हमें देखना है कि सॉलिड कंप्रेसिबल है कि नहीं है, फ्लूड कंप्रेसिबल होते हैं या नहीं होते. लिक्विड फ्लूड में क्या क्या आता है, लिक्विड और गैस. तो लिक्विड और गैस में लिक्विड कंप्रेसिबल है या नहीं है, गैस कंप्रेसिबल है या नहीं है, ये सारा हम देखेंगे. तो उसके देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने यहाँ पे एक स्टोन लिया, हमने कोई स्टोन लिया, ठीक है. अब स्टोन पे हमने कोई एक फोर्स लगाया, ठीक है. फोर्स और प्रेशर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. तो हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मान लो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, इसका वॉल्यूम क्या है, वी. ओके, अब हमने इसको फोर्स लगाने के बाद इसका वॉल्यूम हमने लगाया, तो क्या होगा, पहले तो ये इसका रेजिस्ट करेगा, मतलब टूटेगा नहीं अचानक से. पहले इसमें जब हमने इसका फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, हमने क्या किया, इसका फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं. अब हमने इसका फोर्स बढ़ा दिया, तो इसमें धीरे धीरे पहले क्रैक पड़ना स्टार्ट होंगे और फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे, ठीक है. अब इसका हो गया वी वन वी टू, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. पहले इसका वॉल्यूम वी था और अभी इसका अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वी वन प्लस वी टू हो जाएगा. तो इसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ जब हमने इसमें प्रेशर लगाया या फोर्स लगाया, तो ये कंप्रेसिबल नहीं है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है. तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं. जो इस प्रॉपर्टी को रखते हैं उनको कंप्रेसिबल, और जो इस प्रॉपर्टी को नहीं रखते हैं उसको इनकंप्रेसिबल. तो सॉलिड क्या हो गया, इनकंप्रेसिबल हो गया. अब आती है बात गैसेस और लिक्विड की. तो गैस और लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, सॉलिड से तो थोड़ा दूर दूर ही होते हैं, है ना. तो लिक्विड में भी हम कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम इसमें कोई इसको हम बंद करेंगे और यहां से हम एक कोई प्रेशर लगाएंगे, ओके, तो ये स्लाइटली एकदम जरा सा, जैसे ये अभी इनिशियली यहां पे है ना,
यहाँ पे हमने लिक्विड के केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ऐसे, जब हम इसका बाद का केस करेंगे तो ये हल्का सा मूव करता है, मतलब कि जो लिक्विड के केस में होते हैं इसका वॉल्यूम हल्का सा, मान लो पहले V1 है फिर V2 हो गया, तो जो इसका V2 है वो बहुत 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 जरा सा चेंज आएगा, मतलब कि ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं, जैसे इसको साफ करते हैं, ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के केस, फ्लूड के केस में क्या होता है, फ्लूड मतलब लिक्विड, लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फ्लूड में तो लिक्विड और गैसेस दोनों होते हैं, बट हम यहाँ पे फ्लूड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे लिक्विड होगा, ओके लिक्विड। तो लिक्विड क्या होते हैं, वो बहुत जरा सा चेंज करते हैं जब हम इसमें प्रेशर्स लगाते हैं, तो क्या कह सकते हैं इसको कि लिक्विड इन जनरल कंप्रेसिबल, बहुत जरा से कंप्रेसिबल है, तो जनरली हम इसको जब हम अभी अभी आप लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम उसमें इनकम्प्रेसिबल मान के ही सॉल्व करते हैं, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो फिर हम उसकी एक अलग कंडीशन होती है कि हमें कब कंप्रेसिबल मानना होता है फ्लूड्स को, लिक्विड्स को, और कब नहीं मानते हैं, तो वो आप अभी अभी आप अपने लेवल पे इसको आप इनकम्प्रेसिबल मान के आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके। इसको साफ करते हैं, अब हम देखते हैं गैस की, गैस को, गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं, ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। अभी हमने इसका कंटेनर चेंज कर दिया, मान लो अभी इतने बड़े बॉक्स में रखे हैं, अभी हमने इसको छोटे से बॉक्स में डाल दिया, ओके। अब इसके पहले उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले मान लो इसका वॉल्यूम वी, इसका बड़ा सा डब्बा है पहले V1, अब इसका V2 छोटे डब्बे में, मतलब कि गैस को हम पहले छोटे, उसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का वो शेप ले लेता है, राइट। अगर हम इसको दबाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये गैस के लिए एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, गैस में पहले एकदम दूर दूर थे, अब हमने इसको कंप्रेस किया, मतलब ऊपर से फोर्स लगाया तो ये पास पास आ गए, तो गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो गैसेस यहाँ पे लिखा है गैसेस आर कंप्रेसिबल, और जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं उन्हें कंप्रेसिबल फ्लूड या कंप्रेसिबल गैसेस ऐसे बोल देते हैं, और जो नहीं करते उन्हें इनकंप्रेसिबल कहते हैं, और जो इस प्रॉपर्टी को रखते हैं, मतलब ये कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी जो होती है उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली आप सिंपल सा एक डेफिनेशन लिख देंगे कि कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है इट इज अ चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर, ओके। हमने प्रेशर की वजह से उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि वॉट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब चलिए हम इसके ना इससे रिलेटेड, अब हमने ये डेफिनेशन समझ ली, अब हम इसको फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करने के लिए हमने देखो ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अब देखो कैसे करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी हमने देखा कि चेंज इन कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि पहले इसका वॉल्यूम कुछ था V1 था, फिर इसका इसका वॉल्यूम हो गया V2, तो इसका चेंज कितना हो गया V2 - V1, ठीक है। इसका पहले था V1 और अभी चेंज होके V2 हो गया, तो चेंज कितना हो गया V2 - V1, ये हो गया डेल्टा V, चेंज पहले इतना था बाद में इतना हो गया, और डिफरेंस क्या हो गया वो चेंज इन, तो इसको हमने कह दिया डेल V, और इनिशियली कितना था V1, और चेंज इन प्रेशर पहले प्रेशर था P1 और फिर बढ़ा दिया हमने P2, तो चेंज कितना हो गया P2 - P1, तो इसको हमने कर दिया डेल P, ठीक है। अब हमें कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्मूले को देखना है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, बीटा मतलब कंप्रेसिबिलिटी, ओके। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं, इसके और भी इसके वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा वी क्या है वॉल्यूम, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, ओके ये लिखा है,
पी क्या है प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी, के क्या है बल्क मॉडुलस। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है एम ओवर वॉल्यूम। ठीक है, ये मास हो गया और ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो अब हमें यहाँ पे लिखना है डेंसिटी। तो हमें पर यूनिट मास में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो रो को हम क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू 1/v। अगर हमने मास को, मास तो सेम है दोनों का, मास इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो हमारा हो गया रो इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, या v इज इक्वल टू 1/ρ, जो यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा क्या होता है? जैसे कि एक नया वर्ड आप सुनेंगे, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। k इज इक्वल टू होता है 1/β। मतलब कि अगर आपने कंप्रेसिबिलिटी को का उल्टा कर दिया, मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस k। तो अगर हमें k के फॉर्म में लिखना है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है, ये दिया हुआ है, के इज इक्वल टू रो। रो क्या है? 1/v। वी इज इक्वल टू 1/ρ, तो रो इज इक्वल टू भी 1/v वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि पहली प्रॉब्लम है हमारी ये वाली। ठीक है, डिटरमाइन द, कहाँ गया, हाँ ये, डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ लिक्विड इफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिक्रीज्ड बाई 0.15%। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया है उसका ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? प्रेशर। तो पहले इसका प्रेशर था 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इसका प्रेशर हो गया P2, 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा चेंज इन प्रेशर क्या हो गया? डेल पी क्या हो गया? P2 माइनस P1। तो 130 माइनस 70 कितना आया? 60। तो ये हमारा हो गया डेल पी। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिक्रीज्ड बाई 0.15%। मतलब कि ये कह रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब कि डेल वी ओवर वी कितना हो गया? 0.15। ये परसेंट में कह रहा है, तो परसेंट में 0.15%। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिक्रीज बाई 0.15%, मतलब परसेंट ऐसे। अब हमें इसको, हमें नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है, तो डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ से हो गया 15 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला देखा था, अब इसकी, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें किसकी किसकी ज़रूरत है? फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, के इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें बल्क मॉडुलस की पूछ रहा है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? 1/β। ठीक है, तो हमने बीटा क्या पढ़ा था? चेंज इन वॉल्यूम, डेल वी ओवर वी इंटू चेंज इन प्रेशर ड्यू टू। ठीक है, अब हमें ये सॉरी, ये बीटा की वैल्यू है। ओके, इसको कलर चेंज, डेल्टा वी ओवर वी अपॉन डेल पी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे हमें के निकालना है, तो के का फॉर्मूला क्या बनेगा? के इज इक्वल टू डी पी ओवर डेल वी ओवर वी। ओके, तो डेल पी हमारा कितना आया था? 60 डिवाइडेड बाई 0.15
या फिर 15 बाई 10 टू द पावर 4, इसको हम, ये 60 है, ओके ये वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 15 फोर ज़ा 60, तो क्या हो गया 4 × 10 to the power 4। अब इसकी यूनिट क्या होती है, वही सिंपल न्यूटन पर सेंटीमीटर इसको है। ओके तो ये हमारा हो गया आंसर, तो हमारा ये हो गया आंसर। समझ आया आपको, आप सभी को? चलिए अगर आप इसका बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। ओके सिमिलरली जैसा हमने निकाला, सबसे पहले इन्होंने डिक्रीजिंग प्रेशर देखा कि कितना है, जो कि आया, और फिर डिक्रीजिंग वॉल्यूम देखा, फिर इनका आंसर ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ लिक्विड, यहाँ पे भी के की वैल्यू पूछ रहा है, विच इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर फ्रॉम अ वॉल्यूम। एक सिलेंडर है, उसमें से हम उसमें हमने एक वॉल्यूम से उसको दूसरे वॉल्यूम पे कंप्रेस किया, अगर हमने उसका ज्यादा फोर्स लगा दिया। तो इसमें भी सेम चीज ही पूछ रही है, इसमें भी सेम चीज ही निकालना है। इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम पहले पहले इतना था, फिर इतना हो गया, तो हमारा डेल वी कितना हो गया, ये देखो डिक्रीजिंग, इसको इसमें से घटा दिया तो आ गया 0.00001 m³। इसमें आप लोग यूनिट का बहुत ध्यान रखना, इसमें सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और प्रेशर का चेंज कितना हो गया, 80 से 150 हो गया, तो डेल पी कितना हो गया, 150 माइनस 80 कितना आ गया, 150 माइनस 80 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे के निकालना है, तो के का हमने क्या देखा, डी पी ओवर डेल वी ओवर वी, तो डी पी हमारा कितना आ गया, ये 70, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमें इसको चेंज करो या फिर इसको किसी एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मीटर को डायरेक्ट उसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आया, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी है ना, 0001 है, 0.0001 m³ है, तो डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्रेशर टू अ वॉल्यूम, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिया है, यहाँ पे फ्रॉम वॉल्यूम, तो 0.0001 ये हमारा चेंज हो गया, मतलब डेल भी हो गया, लेकिन डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। ये तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 0.0125, ठीक है। अब हमारा यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मीटर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power -6, ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब है। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.75 × 10 to the power 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये रहा, ओके। तो पहले इन्होंने ऐसे किया है, ये दिया हुआ है, ठीक है, चेंज निकाला, इनिशियल प्रेशर इतना है, फाइनल प्रेशर इतना है, तो चेंज इन प्रेशर या डिक्रीज इंक्रीज कितना हुआ, इतना। अब हमने के निकाल लिया इस फॉर्मूले से। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे और कंप्रेसिबिलिटी कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।